हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी पिज्जा रेसिपी जो बहुत ही हेल्दी भी है। तो अब इस लॉकडाउन में आप ही फ्रेश होममेड ये टेस्टी पिज्जा एंजॉय कर सकते हैं, जिसको खाने से वेट भी नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसे मैं बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाने वाली हूँ। ये पिज्जा हम मैदे के साथ नहीं बल्कि गेहूं की रोटी यानी कि व्हीट चपाती जो हमारे घर में हर रोज बनती है उसके साथ बनाएंगे। तो अगर इस यमी पिज्जा को देखकर आपके मुंह में पानी आ रहा है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ इंग्रेडिएंट्स जो मैंने इस्तेमाल किए हैं। अगर इस लॉकडाउन में आपको सभी चीजें नहीं भी मिल पाती तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी चीज अवेलेबल हो आप उनके साथ ये टेस्टी पिज्जा इजिली बना सकते हैं। तो इस व्हीट पिज्जा के लिए हमने लिए हैं सबसे पहले 4 मीडियम साइज फ्रेश टमाटर, चुटकी भर नमक, लहसुन की 4 से 5 कलियां, ऑलिव ऑयल 1 बड़ा चम्मच, बारीक कटे हुए 2 मीडियम प्याज और 1 चपाती। आगे बढ़ते हुए पिज्जा की हेल्दी और न्यूट्रिशियस टॉपिंग्स के लिए हमें चाहिए 1 कप मशरूम्स, 1/2 कप ऑलिव्स, 1 कप कटी हुई शिमला मिर्च, 1/4 कप बॉइल्ड कॉर्न, पनीर 50 ग्राम, आप इसे मैश करके या क्यूब्स काट कर रख सकते हैं, पिज्जा सीजनिंग 2 टेबलस्पून। अगेन ये सभी चीजें ऑप्शनल हैं, आपको इनमें से जो भी चीज मिल जाए उसके साथ आप ये पिज्जा बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे पिज्जा सॉस जिसको आप ये चपाती पर स्प्रेड करना है। सबसे पहले चारों टमाटर को एक हल्का सा कट देकर एक बड़े बाउल में उबलते हुए पानी में डाल दें और ढक्कन से उसे कवर करके रख दें। उतना ही पानी लें जिसमें ये चारों टमाटर अच्छे से डिप हो सके। 2 से 4 मिनट तक अच्छे से पकने दें। उसके बाद आपको बॉइल्ड टमाटर निकालने हैं और एक आइस कोल्ड बर्फ वाले ठंडे पानी में दूसरे बाउल में डाल देने हैं। और अब चारों टोमेटोस को निकालकर पील कर लें यानी छील लें और ये दिखने में ऐसे दिखेंगे। अब इन्हीं सभी टोमेटोस को मिक्सर में डाल लें और एक प्यूरी बना लें और प्यूरी में डालें 4 से 5 लहसुन की कलियां और उसे भी साथ में ग्राइंड कर लें। आगे बढ़ते हुए एक पैन ले लें और उसे अच्छे से गर्म कर लें। उसमें 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालें और उसमें जो आपने 1 कप बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं उसे सौते करें जब तक वो ऐसे गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। अब इसी में आपने जो टमाटर की प्यूरी बनाई थी उसे डालना है और पकाना है। अब इस प्यूरी में डालें चुटकी भर नमक और थोड़ी सी पिज्जा सीजनिंग एक जबरदस्त फ्लेवर और टेस्ट के लिए। तो अब हमारी पिज्जा सॉस रेडी है, इसे ठंडा करने के लिए एक बोल में निकाल दें। अब बारी आती है पिज्जा टॉपिंग्स की। अब टॉपिंग्स के लिए कढ़ाई या पैन में 1 चम्मच ऑलिव ऑयल गरम कर लें और अब इसमें डालें 1 कप मशरूम्स, 1/4 कप बॉइल्ड कॉर्न, 1 कप रंग बिरंगी कैप्सिकम्स और इसे 1 से 2 मिनट तक सौते करें। जब ये थोड़ा स्टर फ्राई हो जाए तो एक सेपरेट बोल में ये सॉर्टेड वेजेस ठंडा होने के लिए रख दें। और अब इस बोल को फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दें। ऐसा करने से इन सॉर्टेड वेजिटेबल्स का कलर और फ्लेवर मेंटेन रहेगा। अब आप एक चपाती लें और आपने जो पिज्जा सॉस बनाया है उस पर अच्छे से स्प्रेड करें। ये सॉस एक बढ़िया टैंगी फ्लेवर देता है हमारे पिज्जा को। अब नेक्स्ट स्टेप है पिज्जा टॉपिंग्स रोटी के ऊपर बढ़िया से इवनली स्प्रेड करें। यहाँ पर आप मैश पनीर या उसकी क्यूब्स ऑलिव्स भी ऐड करें। फाइनली अब आप एक तवे को गरम कर लें, उस पर थोड़ा ऑलिव ऑयल डालकर ग्रीसिंग कर लें और जो पिज्जा आपने बनाया है उसे रोस्ट करें बढ़िया और क्रिस्पी। तवे को एक लिड से 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर दें। ध्यान रहे आपने पिज्जा को लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। और अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट, इन्हें सर्व करने की बारी। एक फ्लैट सरफेस पर पिज्जा कटर से इनके स्लाइसेस कट करें। और
और टेस्टी हॉट पाइपिंग पिज्जा एंजॉय करें। टेस्ट के लिए आप पिज्जा सीजनिंग्स या चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। तो देखा आपने क्या कमाल का पिज्जा बना है, एकदम हेल्दी और इतना डिलीशियस कि बनाते बनाते ही मुंह में पानी आ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये वो पिज्जा है जो है देसी, जिसमें है नो मैदा, नो चीज, नो आर्टिफिशियल कलर्ड सॉसेस और न्यूट्रिशन और स्वाद से भरपूर। वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। इस रेसिपी को ट्राई जरूर करें और अपना फीडबैक भी मुझसे जरूर शेयर करें, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो आप ही की तरह हेल्दी खाना पसंद करते हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।